اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों खै अफीयत से हों दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएँ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ ये नक्श बेसिकली एक अमल है जो एक देसी अंडे पर लिखने वाला नक्श है जो पसंद की शादी पे सबको राज़ी करने के लिए बहुत ही मजरब है अगर आप पसंद की शादी करना चाह रहे हैं और उसमें कोई ना कोई मसला आ रहा है तो आप ये अमल करें इन शाह वो मसला बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर लड़का राजी नहीं है लड़का राज़ी हो जाएगा अगर लड़की राजी नहीं है लड़की राज़ी हो जाएगी अगर उसके घर वाले राजी नहीं हैं वो भी राजी हो जाएंगे यानी कि पसंद की शादी में कोई भी रिकावट है उसको ख़त्म करने के लिए ये अमल बहुत ही मजरब है जो इस अमल को करने की रूहानी इजाजत चाहते हैं चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर लें कमेंट्स बॉक्स में इक्कीस मरतबा ब्रोशी पढ़ के इन श्ला लिख दें उनको रूहानी तौर पर इजाज़त है आपने करना क्या है आपने करना ये है कि एक देसी अंडा लेना है लेकिन ताज़ा हो मसलन उसी दिन का हो आप अगर आपके पास कोई मुर्गी है तो उससे देख सकते हैं वरना किसी से आप कॉन्टेक्ट करके कि उसी दिन का अंडा ये ना हो कोई दस दिन बीस दिन पुराना हो ऐसा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम एक दिन या दो दिन पुराना हो आपने वो देसी अंडा लेना है साइज उसका कोई भी हो तो वो आपको चाहिए उसके अलावा आपको एक ब्लैक कलर का बॉल पेन पॉइंटर कोई भी ऐसी चीज़ जिस मार्कल हो जिससे अंडे पे लिखा जा सकता है वो आपको चाहिए एक बात मैंने ये तरीका नया स्टार्ट किया है वीडियो को यानी वीडियो में आपको नक्श बनाना अमल बनाना पूरा सिखाना ताकि लोग इसी तरह सीख सकें ज़रूरी नहीं कि वो खुद ना कर सकें किसी से ही करवाएं वो खुद कर सकें अगर इसके बारे में कोई सवाल होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं लेकिन इन शाह अगर आप पूरी वीडियो देखें तो आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं होगी आप ये अमल किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि इसे किसी ख़ास दिन किया जाए आपने सबसे पहले अंडा अपने पास ले लेना है ठीक है वो अंडा अपने पास रखेंगे मैं आपको लिखना इसी तरह पेज पे सिखा दूंगा, आपने उसी तरह वो अंडे पर लिखना है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके ठीक है जिन मेरे भाइयों बहन भाई, भाइयों को इस चीज़ की समझ आएगी वो कमेंट्स में बता सकते हैं अगर मेरे व्यूज़ को ये चीज़ नहीं पसंद या समझ नहीं आ रही तो मुझे बता सकते हैं मैं उस तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की लेकिन सिर्फ कहने का मकसद समझाने का मकसद ये है कि सारे मेरे भाई बहन जो किसी मसले के लिए अमल करना चाहते हैं नक्श या वज़ाइफ उनको समझ आ सके और वो घर में बैठ के कर सकें किसी से कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आता है अगर कोई काम यूट्यूब पर नहीं होता कुछ ख़ास चीज़ होती है कुछ ख़ास अमल करवाना हो या ख़ास नक्श बनवाने हो तब रहा किया करें वरना वज़ायफ़ YouTube पर जो नक्श वग़ैरह डाले हुए हैं उनके बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं सबको इजाजत है जायज़ मकसद के लिए करें चाहे इस वीडियोज़ को अपने नक्श अपने यूट्यूब चैनल पर डालें मुझे क्या मसला हो सकता है तो जब आपने अंडा ले लिया अंडा जब ले लेना है तो आपने सबसे पहले अब आपने ये करना है कि अंडा छोटा साइज़ का ही होते हैं देसी मुर्गियों के कोशिश करनी है कि जितना बड़ा मिल सके उतना ले लें तो आपने सबसे ऊपर अंडे के सात सौ छियासी लिखना है यानी कि बिस्मिल्लाह के आदाद लिखने हैं जितना बेहतर से बेहतर लिखा जा सकता है उतना लिखना है आपने मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि ज़रा और समझ आ सके लिखने वालों को समझने वालों को समझ आ सके ठीक है ये मैंने थोड़ा सा और क्लोज़ कर दिया है ताकि आसानी से सबको नज़र आ सके अगर किसी को नज़र नहीं आता इस तरह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन मजबूरी है मकसद तो समझाना होता है लंबी वीडियो करने का कोई मकसद नहीं होता उसके नीचे आपने बा जीम दाल है इनमें स्पेस नहीं है याद रखिएगा इनमें स्पेस नहीं है तो आपने भी स्पेस नहीं देनी वाओ जे हाँ ये तो ठीक है ये इसके नीचे लिख लेना है यानी कि ये देखें ना ये सीधा इसी तरह होगा मैं ज़रा लिख रहा हूँ तो ज़रा थोड़ा सा हार्ड टेढ़ा करके लिखना पड़ रहा है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पेज थोड़ा सा टेढ़ा होता है तो आपने इसी तरह यानी कि ये सब से ऊपर फिर नीचे ये लाइन लिखनी है उसके बाद आपने लिखना है अलब ठीक है उसके बाद जो मतलूब का नाम है फलां बिन फलां लिखा जाता है ताकि आपको समझा सकें फलां की जगह पे मतलूब का नाम बिन लिखकर आगे माँ का नाम अगर आप मर्द लिख रहे हैं तो लड़की का नाम बिन ते माँ का नाम आएगा अगर लड़की लिख रही है तो पहले लड़के का नाम बिन माँ का नाम आएगा अब अक्सर लोग ये कहते हैं जी माँ का नाम नहीं पता तो जिनसे शादी करनी है उसका माँ का नाम तो पता करना पड़ेगा ना आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे माँ का नाम नहीं पता तो हवा लिख लें इसमें भी अगर आपको नहीं पता फ़र्ज़ किया बड़ी कोशिश के बावजूद तो हवा लिख सकते हैं लेकिन अगर शादी करनी है तो काम फिर करने पड़ते हैं मजबूरी है फिर आपको करना पड़ेगा उसके नीचे आप लिख लें अला अलहू ठीक है उसके नीचे आपने अपना नाम जो भी आपका नाम है फ़लाँ की जगह अपना नाम बिनते फलाँ ज़रूरी नहीं है कि औरत लिखे मर्द भी तो लिखते हैं तो अगर आप मर्द हैं तो फ़लाँ की जगह अपना नाम बिन माँ का नाम अगर आप लड़की हैं तो फ़लाँ की जगह अपना नाम बिनते माँ का नाम इसी तरह नीचे नीचे लिखना है ठीक है अंडा आपको पता है इस शेप में होगा ज़रा वो इस तरह का होता है तो ऊपर ऊपर लिखना है जैसे ये अंडा है तो आप देखेंगे ये शेप है इसकी तो ऊपर से नीचे को आना है कि जैसे सबसे ऊपर पहले सात आठ छः यानी कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उसके नीचे फिर फिर इसके नीचे फिर इसके नीचे फिर इस तरह फिर इस तरह यानी कि लिखना है ये चीज़ों का ख़्याल याद से रखिएगा कि इस तरह इन चीज़ों को फ़िल करना है आपने ठीक है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने लिखना कैसे है इजी हो जाएगा कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत आसान काम है बस आपने ख्याल से रखना है जब ये फ़लाँ बिनते फलाँ लिख लें उसके नीचे एक अज़ीमत लिखनी है मैं वो लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ तो एंड पे ये अजीमत आपने वलकद आली मातिल जन्नातु उन नुम लाख ये लिख लेनी है इसी नीचे अंडे के ऊपर ठीक है यानी कि ये अंडा है तो आपने लिखना शुरू करना है सबसे ऊपर सात आठ छः उसके बाद अलफ दाल हे, हे तो इसके नीचे अलहब मतलूब का नाम उसके नीचे अलहब उसके आगे अपना नाम बिनते माह का नाम उसके आगे नीचे ये अजीमत वलकद आलि मातिल जन्नतु इन नमला मज़ारून आपने ये ज़िमत इसके नीचे लिख लेनी है ये अंडे के ऊपर आपका मुकम्मल हो जाएगा आप जिस तरह ये आम ब्लैक मार्कर होते हैं उससे भी लिख सकते हैं किसी ख़ास पॉइंटर से किसी ख़ास पेन से भी लिख सकते हैं कोई मसला नहीं है इसके बाद आपने अंडे को किसी गर्म जगह पर रखना है ताकि अंडा इस तरह का हो कि जले भी ना लेकिन उसको गर्म रहे अंडा ठंडा नहीं होना चाहिए उसमें हीट रहे आप चूल्हे के नीचे रख सकते हैं यानी कि जब गैस जल रही होती है चूल्हा जल रहा होता है तो उसकी हीट नीचे आ रही होती है अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप कोई पाक मट्टी में दबा लें ऊपर कोयले रख सकते हैं इतने कि उसको गर्मी पहुंचती रहे तीन दिन तक आपने ऐसे ही करना है यानी कि इसी अंडे को जलने नहीं देना लेकिन गर्म रखना है यानी कि चूल्हे के नीचे रखें चूल्हा जला दिया करें थोड़ा सा जब गर्म हुआ फिर थोड़ी देर बंद फिर जला दिया इसी तरह अगर ऐसा नहीं हो सकता तो किसी पाक मट्टी पे रख अंदर दुबा दें या पाक मट्टी के पे रख के या किसी जिस तरह के बर्तन होता है मिट्टी का उसके अंदर रख लें और उसके नीचे आग जला दें गर्म करना है बस उसको और गर्म रखना है तीन दिन तक इन शाह तीन दिन तक अगर लड़का नहीं मान रहा तो वो मान जाएगा अगर लड़की नहीं मान रही तो वो भी मान जाएगी इसी तरह अगर किसी का घर वाले नहीं मान रहे तो इन श्ला इस अमल की बदौलत वो मान जाएंगे बहुत ही मजरब अमल है सिर्फ तीन दिन का अमल है एक बार करना है तीन दिन इंतज़ार करना है तीन दिन उसको गर्म रखना है इन शाह वाले मान जाएंगे बहुत ही मजरब अमल है अल्लाह की रहमत पर यकीन रख कर सच्चे दिल से कामिल यकीन से कीजिएगा ज़रूर फ़ायदा होगा याद रखिएगा पीर कामिल नहीं होते यकीन कामिल होते हैं तो जो भी मेरे भाई बहन वट्सअप पर भी आते हैं पूरे यकीन से आया करें अगर शक की बात हो तो फिर ना आया करें ना अपना अपना टाइम वेस्ट किया करें ना दूसरे का वेस्ट किया करें क्योंकि पहली जो बात है वो यकीन है मैं वीडियो ऑडिट नहीं करता इसमें अगर कोई गलती हो जाए तो मैं भी इंसान हूँ हो, गलती होती भी है तो माफ़ कर दिया करें दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा हो सकता है दूसरों के लिए फ़ायदा हो सके आपके शेयर करने से